अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो प्राइसिंग है फ्रेंड्स, एक शोरूम वो है 1,16,124 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, और ऑन रोड ये जा रही है 1,39,400 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ प्रेजेंट ऑल न्यू बजाज की पल्सर 150 ट्विन डिस्क का बिल्कुल ही न्यू 2022 वाला वेरिएंट, जो कि काफ़ी अच्छे लुक्स में आ रहा है। ब्लू कलर में ग्राफिक्स में आपको बाइक यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है ब्लैक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको पल्सर का लोगो 3D में मिल जाता है, और साइड लुक कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे बाइक का। अगर हम इस साइड से बात करते हैं यहाँ पे, तो फ्रंट लुक आप देख पा रहे होंगे, आपको बाइक में फ्रेंड्स यहाँ पे बजाज का लोगो मिल जाता है फ्रंट में, और यहाँ पे आपको लाइटिंग सेटअप जो है वो कंपनी बल्ब में प्रोवाइड करती है, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिल जाता है, और इस साइड से आपको फ्रंट में यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो प्राइसिंग है फ्रेंड्स, एक शोरूम वो है 1,16,124 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, और ऑन रोड ये जा रही है 1,39,400 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो ये जो प्राइजेज आपको हम बता रहे हैं, ये NKD बजाज धनबाद का बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऑन रोड प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा वैरी कर सकता है आपके स्टेट में हमारे स्टेट में, क्योंकि RTO और इंश्योरेंस का जो चार्जेस है वो थोड़ा अलग होता है। बाकी अगर आप लुक्स देखते हैं, तो बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स के साथ आ रहा है यहाँ पे, आपको लेजर एडिशन वाला जो ग्राफिक्स है उस टाइप का कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे कार्बन फाइबर टाइप का आपको थोड़ा फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टेल लाइट्स की अगर बात करते हैं, तो आपको कंपनी LED में प्रोवाइड कर देती है, और बैक लुक कुछ ऐसा आ रहा है। बाकी साइड में आपको साड़ी गार्ड लगा हुआ मिल जाता है, और लेग गार्ड वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। बाकी रेयर का जो सस्पेंशन है वो आपको मिल जाता है, इंड्योरेंस का गैस चार्ज यहाँ पे, शॉक एब्जॉर्बर्स, और रेयर का जो टायर है वो 120 सेक्शन का आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे डुअल पर्पज़ टायर्स है, ऑन रोडिंग प्लस ऑफ रोडिंग ब्लॉक पैटर्न वाले टायर से काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको प्रोवाइड करता है, और रेयर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है जो कि RLP सेंसर के साथ आता है, रेयर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन के साथ। फ्रंट में आपको मिल जाता है फ्रेंड्स ABS, जो कि ये बाइक आ रही है सिंगल चैनल ABS के साथ, और यहाँ पे आपको सेम 150cc का इंजन मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड इंजन है, और लगभग में फ्रेंड्स ये जो पावर प्रोड्यूस करता है 14 BHP के अप्रॉक्स में प्रोड्यूस करता है, और मीटर कंसोल जो है वो आपको मिल जाता है एनालॉग प्लस डिजिटल, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसका मीटर जो है वो स्टार्ट होता है, RPM लिमिटर आपको मिल जाता है, न्यूट्रल, ABS, और बाकी यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हाई बीम लो बीम का स्विच इस साइड में मिल रहा है, पास कंपनी प्रोवाइड कर देती है। हॉर्न आपको हम सुना देते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको हॉर्न मिल जाता है, क्लिप ऑन में कंपनी हैंडल बार्स प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे आपको टैंक पैड जो है वो लगा हुआ मिल जाता है, और स्प्लिट में आपको सीट मिलता है, ग्रैब रेल्स भी कंपनी स्प्लिट में प्रोवाइड कर देती है। तो ओवरऑल में अगर 150cc सेगमेंट में देखते हैं, अगर आपका बजट 1,40,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का है, 1,40,000 रुपये के आसपास है, तो आप इस बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ओपन चेन सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, और चैन का जो फ्रेंड्स थिकनेस है वो अच्छा खासा मिलता है। बाकी इसके जो है मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे काफ़ी इजीली आपका लग जाता है, तो थोड़ा आपको मेंटेनेंस का ध्यान देना होगा, हर 2000 किलोमीटर पे आपको चेन जो है वो क्लीन करना पड़ेगा, वरना साउंड आएगा। और बाकी आप लुक्स देख करके ज़रूर बताएं कमेंट करके कि बाइक आपको कैसी लगी ओवरऑल में। तो आज के इस वीडियो में बस यही था, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।